और भी नई रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए शालिनी रस्तोगीज किचन और दबाएं बेल आइकन और देखिए मेरी नई रेसिपीज तुरंत। सबसे पहले एक खाली कटोरी लेंगे और उसमें डालेंगे गुनगुना पानी आधी कटोरी, एक चुटकी नमक और आधा चम्मच ड्राई ईस्ट डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको साइड में रख देंगे। अब एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें डालेंगे एक कटोरी मैदा, आधा चम्मच नमक, अच्छे से मिक्स करेंगे। बीच में थोड़ा सा गड्ढा बना लेंगे, इसमें डालेंगे ईस्ट और इस आटे का हम डो लगाएंगे जिस तरह हम रोटियों का लगाते हैं, एक सॉफ्ट डो। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे, डो हमारा बन चुका है। अब इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब मैंने यहाँ लिए हैं 4 से 5 कलियाँ लहसुन की, जिसको कि छील कर मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। अब एक कटोरी में लेंगे मेल्ट किया हुआ देसी घी 3 चम्मच, आधा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच ओरिगेनो और बारीक कटा हुआ लहसुन, इसको डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब डो हमारा अच्छे से फूल चुका है। अब इसके हम 2 पीस कर लेंगे, लोई को अच्छे से कर लेंगे चिकना। अब इसको थोड़ा सा डस्ट करेंगे और इसको गोल बेलना शुरू करेंगे। जितना बड़ा हम बेल सकते हैं चकले में उतना बड़ा इसको बेल लेंगे पतला करके। पराठा हमारा अच्छे से बेल चुका है। अब हमने जो मसाले वाला लहसुन बनाया था इसको इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद मेरे पास है ये 1 टीस्पून। अब इसको भी इसके चारों तरफ स्प्रेड करेंगे। चीज लगाने के बाद अब इसको रोल करना शुरू करेंगे, एक किनारे से पकड़ते हुए इसको टाइट से रोल करेंगे। रोल करने के बाद इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर से भी ग्रीस कर देंगे। और अब इसको रोल करना शुरू करेंगे, किनारे को नीचे दबा देंगे, थोड़ा सा हाथों से प्रेस करेंगे और दबाते हुए थोड़ा सा इसको बढ़ा लेंगे। थोड़ा सा बढ़ाने के बाद अब इसको डस्ट करेंगे और अब बेलन से बेलना शुरू करेंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह से बेलेंगे। बेल जाने के बाद अब तवे को गर्म करने रख देंगे। जैसे ही तवा गर्म होने लगेगा इस पर थोड़ा सा घी डालकर चिकना कर लेंगे पहले। अब इस पर डालेंगे पराठा और इसको एक साइड से सिकने देंगे। एक साइड से सिकने के बाद अब इसको टर्न करेंगे और दूसरी साइड से भी सेक लेंगे। दूसरी साइड से भी सिकने लगा है, अब इसके ऊपर डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। एक बार फिर से इसको पलटेंगे। गैस को बिल्कुल हल्का ही रखना है। अब हल्के हाथ से इसको दबाते हुए सेकना शुरू करेंगे। पराठा सिकते हुए बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आने लगी है चीज़ और गार्लिक की, और देखने में भी ये बहुत सुंदर बना है। एक बार फिर पलटेंगे। पराठा हमारा दोनों साइड से सिक चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसको सर्व करेंगे।